बताइए क्या सवाल है। सर मैंने आपके वहाँ से गौन सिया मंगाई हूँ और गौन मोरिंगा मंगाई हूँ और जैतून का सिरका मंगाई हूँ, जैतून का नमक मंगाई हूँ सर। मेरे पैर में दर्द बहुत है सर। शुरू कर दिया बेटा आपने? नहीं सर, बस शुरू तो नहीं, क्यों यही पूछने के लिए। बहुत दिन से परेशान हो रही थी सर, कॉल नहीं लग रहा था मेरा तो। ठीक है जी, तो गौन सिया को पाउडर कर लें, बारीक कर लें और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम मलाई में मिला के, एक चम्मच मलाई में मिला के खा लिया करें नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, या शहद में मिला के एक चम्मच आप खा लें, क्योंकि आप ऐसे खाएंगे तो ये चिपकता है मुंह में, क्योंकि एक गोंद है, ये एक रॉ मटेरियल है और ये इस तरह खाया जाता है। दो बार खाने के बाद आधा आधा ग्राम, इसे ज़्यादा मत खाना, काफ़ी तेज़ होता है ये, एक रॉ मटेरियल है और कड़वा बहुत है। हो सकता है आप ने इतनी कड़वी चीज़ कभी ना खाई हो। और वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछे पर पाबंदी है कुछ दिन जब तक आपका इलाज चल रहा है। गौन मोरिंगा एक ग्राम रोज़ाना खाया जाता है, पानी से, दूध से या नारियल पानी के साथ, बस एक ग्राम रोज़ाना। और क्या मंगाया इन्होंने? जैतून का सिरका। जैतून का सिरका दो दो चम्मच खाने के बाद अपने सब्जी सालन में डालकर या पानी में मिलाकर खाने के बाद दे लिए तो ये कोलेस्ट्रॉल, ये डायबिटीज़ को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, पेट का बड़ा ख्याल रखता है, दिल के लिए बहुत मजबूत मुकव्वी बनाता है, और दिल में जो अवरुद्ध हो जाता है संचालन उसको दुरुस्त करता है।